हाँ, इंडिया पर इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने मिश्रिक और सीतापुर लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कौन वो प्रत्याशी हैं और जो बसपा ने छठी सूची जारी की है, वो किन सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, बसपा ने जो अभी सूची जारी की है उसमें किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सूची पर सबकी नजर लगी हुई थी, क्योंकि अब आपको बता दें कि चौथे चरण के तहत नामांकन भी दो दिन हो चुके हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सामने नहीं आ पा रहे थे। सभी को इंतजार था कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी, कब अधिकृत तौर पर उनकी सूची जारी होगी। हालांकि आपको बता दें कि आई इंडिया लगातार सीतापुर और मिश्रिक संसदीय सीट से जिन नामों का जिक्र कर रहा था, आखिरकार आई इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। सीतापुर से सबसे पहले ही आई इंडिया ने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव को टिकट मिलने की बात कही थी। ये भी कहा था आई इंडिया ने कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उन पर दांव लगाएगी बहुजन समाज पार्टी, और आखिरकार सच साबित हुआ। इसी तरह मिश्रिक की अगर बात करें तो बीआर अहिरवार को लेकर एक दिन पहले ही आई इंडिया ने उनके बारे में खबर चलाई थी, जिसमें यह भी कहा था कि अहिरवार का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। हमने बताया था कि वो जो है कंजर्वेटर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और इसके बाद अब वो राजनीति में आए हैं, और इसकी जानकारी भी आई इंडिया ने सबसे पहले दे दी थी। तो चलिए अब आपको हम जो 11 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके नामों को भी जल्दी से बता देते हैं। हरदोई से भीमराव अंबेडकर जो MLC हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम और फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सिंह सचान, फिरोजाबाद से चौधरी बशीर ये परिवर्तित हुए हैं, सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव, महाराजगंज से मोहम्मद मौसम आलम, मिश्रिक से बीआर अहिरवार, वाराणसी से सैयद नियाज अली मंजू भाई ये नाम परिवर्तित हुआ है। तो इसके बाद मछली शहर कृपा शंकर सरोज, भदोही से अतहर अंसारी और फूलपुर से जगन्नाथ पाल। सबसे पहले आई इंडिया जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उनके नामों के बारे में बता रहा है, और आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जिसका सभी को इंतजार था, सीतापुर और मिश्रिक संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनावी धुनंदर मैदान में उतार दिए हैं। सीतापुर से पूर्व MLA महेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है, वहीं अगर मिश्रिक की बात करें तो BR अहिरवार को टिकट दिया है, और आई इंडिया ने पहले ही यह जानकारी दर्शकों को दी थी कि टिकट लगभग फाइनल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि दो सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी परिवर्तित किए हैं, फिरोजाबाद और वाराणसी सीट पर। इसी के साथ हरदोई सुरक्षित सीट पर बड़ा नाम सामने आया है, भीमराव अंबेडकर जो कि MLC है उन्हें टिकट दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।